YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज से 5 जजों की संविधान पीठ समलैंगिक और यौन संबंधों के मुद्दे सहित 4 अहम मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी और जब उन्हें भी खारिज कर दिया गया तो प्रभावित पक्षों ने सुधारात्मक याचिका दायर की ताकि मूल फैसले का फिर से परीक्षण हो सके। सुधारात्मक याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मांग की गई कि खुली अदालत में इस मामले की सुनवाई को मंजूरी दी जानी चाहिए और कोर्ट जब इस पर राजी हुआ तो कई रिट याचिकाएं दायर की मांग की गई और धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा करेंगे और न्यायमूर्ति R.F. नरीमन, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा इसके सदस्य होंगे।